चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव है, जिसको लेकर 4 दिसंबर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि रखी गई है, तो वहीं 9 दिसंबर को विड्रॉल डेट रखी गई है, जिसको लेकर सबसे पहले आप पार्टी ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की थी। तो वहीं शुक्रवार यानी आज के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे, जिनमें रविकांत शर्मा वार्ड नंबर 17 से, वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्टी की ओर से सरोज शर्मा, वार्ड नंबर 22 आम आदमी पार्टी अंजू कत्याल और वार्ड नंबर 10 से आजाद उम्मीदवार सुशील पाठक एवं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उम्मीदवार एचएस लक्की और भाजपा अध्यक्ष वरुण सूद ने नामांकन भरा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार एचएस लक्की ने और भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ ही साथ एक दूसरे को बेस्ट विशेस भी देते हुए नजर आए। हरमोहिंदर सिंह लक्की कांग्रेस का उम्मीदवार हूं वार्ड नंबर 2 से और आज यहां नामांकन भरने के लिए आया हूं अपने साथियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जो शहर का बीड़ा गर्क किया है, जो शहर पहले स्थान पे था और सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना था, अब लोग इसको सिटी ऑफुल कहना शुरू हो गए हैं और पहले रैंक से गिरकर 66वें स्थान पर चंडीगढ़ की रैंकिंग आ गई है। तो अब चंडीगढ़ की कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया है कि चंडीगढ़ की रैंकिंग को दोबारा सुधारना है, एक साफ़ सुथरा स्वच्छ चंडीगढ़ बनाना है जो जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर था, और दोबारा से जो काम रुके हुए हैं विकास के उनको पूरा करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यहाँ पे जो नामांकन भरने आया हूँ। हमारे अन्य उम्मीदवार भी आने वाले दिनों में कल तक नामांकन भर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और दोबारा से चंडीगढ़ के अंदर एक विकास की बयार शुरू होगी। सर, अपने वार्ड में आप क्या क्या मैनिफेस्टो हैं जो लेकर आए? मेरे वार्ड के अंदर एक तो जो 1 से 10 सेक्टर तक आता है, सबसे बड़ी तो स्वच्छता की कमी है, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, पार्कों का बुरा हाल है, पब्लिक हेल्थ में टॉयलेट्स का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, पानी के रेट बढ़े हुए हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और मैं एक और मुद्दा समझता हूँ जो शायद इससे कॉरपोरेशन से संबंध नहीं रखता, वह है महंगाई का मुद्दा। लोग आज त्रस्त हैं, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, ठीक है, दाल 200 रुपये किलो हो गई, सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया, 1000 रुपये तक सिलेंडर पहुंच गया, तो लोग जो हैं बुरी तरह से परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार लोग कांग्रेस को वोट दें और हम जो यहां पर एक अच्छी स्वच्छ कॉरपोरेशन का निर्माण यहां पर कर सकें। धन्यवाद। कयाल 22 नंबर वार्ड से आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो दातार कृपा करें कि जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है मैं उसे पूरा कर पाऊँ। मुझे डोर टू डोर जाने का मौका मिला तो सब यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है कि पार्क्स मेंटेन नहीं है, डॉग्स की प्रॉब्लम है कि डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स मेंटेन नहीं है, हमारे एरिया में हॉस्पिटल तो है लेकिन डिस्पेंसरी नहीं है, एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर क्या प्रोविज़न होना चाहिए, तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। दातार कृपा करेगा कि इनको पूरा कर पाएँ। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में इतना अच्छे काम किए हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए चंडीगढ़ को भी दोबारा से ब्यूटीफुल सिटी बनाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि पहले चंडीगढ़ 2nd नंबर पे था, अब 66 नंबर पे आ गया, तो ये प्रयास रहेगा दोबारा उसको उसी जगह पर लाया जा सके। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अब ये पॉसिबल तभी हो सकता है, पार्टी ने तो भरोसा दिखाया है, अब आम जन सभी लोगों के प्रयास से ही, सभी लोगों के सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि मौका दे एक बार सेवा का। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज शर्मा है, वार्ड नंबर 18 सेक्टर 20 और 30। मैडम किस पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से। कैसी उम्मीद जताई जा रही है मैडम? बिल्कुल, मेरे को जनता का पूरा साथ मिल रहा है और ये सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। मैडम क्या क्या आपका मैनिफेस्टो है, किस किस एजेंडे पे आप वहाँ पे लोगों को? पहला तो एजेंडा महंगाई, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं 30 सेक्टर में रहती हूँ, वहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, कोविड का कारण था, उससे पहले GST थी, उससे पहले अपना नोटबंदी थी, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, अभी तक पूरी लोग अपने रोज़गार पे पहुँचे नहीं हैं, उनके ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, लोग त्रस्त हैं। मेरा मुद्दा उनके लिए,
आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस अपने एरिया की प्रॉब्लम? मैं एरिया की प्रॉब्लम्स बताती हूँ। एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है राशन कार्ड की। लोगों को जो सरकारी राशन फ्री में बोल रहे हैं मोदी जी कि हम फ्री में दे रहे हैं, पिछले 4 साल से 5 साल से एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है। सबसे पहले लोगों के राशन कार्ड चाहिए, तभी वो राशन मिलेगा ना। खाली कागज़ों में दिखाने से, ये करने से तो उनका राशन नहीं मिलेगा। उनको सबसे पहला राशन का मुद्दा है वहाँ पे। बहुत ज़ोर शोर से मैं उसको हल करवाऊँगी। रोड्स तो बन रही हैं, मैं ऐसा नहीं, 30 में बन रही हैं। जो था पिछले 4 साल से रुका हुआ था प्रोजेक्ट, वो चल रहा है काम। बबला जी हमारे वहाँ पे काउंसलर थे, उनके साथ वार्ड कमेटी में मैं मेंबर थी, वो हमने शुरू करवा दिया हुआ है। जो सफाई का मुद्दा है, सफाई जो एसएस के केंद्रों में आगे जाके कूड़ा इकट्ठा होता था, अब सड़कों पे इकट्ठा हो रहा है, उसको दोबारा से हम एसएस के केंद्रों में ही भिजवाएंगे और वहीं सेग्रीगेशन होनी चाहिए कूड़े की। वो सारा शहर इसीलिए गंदा है, इसीलिए 60वें नंबर पे आ गया हुआ है, क्योंकि कूड़ा घर से उठाते हैं, सेक्टर के बाहर जाके इकट्ठा करते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो मैं बिल्कुल उसे हम नंबर वन सफाई में दोबारा से चंडीगढ़ को लाएंगे। देखिए, आज मैंने अपना नॉमिनेशन वार्ड नंबर 17 सेक्टर 22-23 से, जो मुझे पार्टी ने प्रत्याशी यहाँ से घोषित करा था, तो वो आज मैंने नॉमिनेशन अपने सभी साथियों के साथ, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है और पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें पार्टी अध्यक्ष पूर्व पार्टी अध्यक्ष संजय टंडन जी, हमारे अध्यक्ष अरुण सूद जी, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सभी आज यहाँ पर आए थे मुझे शुभकामनाएँ देने, और अभी मैं नॉमिनेशन फाइल करके अभी आया हूँ। सर, इस बार एजेंडा क्या रहेगा, उसी बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आप लोगों से पहले भी मेरी बात हुई है, कि हम विकास के नाम पे बात करते हैं। हमने जो विकास करा है वो रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के पास जाएंगे, और लोगों की अपने वार्ड के लिए और क्या चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, उनके भी सुझाव लेंगे और उस पर काम करेंगे। जिस तरह से पार्टी हमारी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है कि मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव, तो वो अपने वार्ड में लोगों से भी सुझाव लेके हम मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और उन पर काम करेंगे। क्योंकि जितने विकास कार्य हमने अभी करे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब लोगों की इच्छाएँ हैं कि हमारे ये होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो उनसे पूछ के उसको हम अपने एजेंडे में डालेंगे और आने वाले 5 सालों में उनको पूरा करेंगे। सर, आपने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि जब चुनाव आएंगे तो मैं खुद लोगों से बात करूंगा, उसी हिसाब से मैं अपने वार्ड का मैनिफेस्टो तैयार करके लोगों के सामने पेश करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, मैं महापौर रहते हुए मैंने एक ये कार्यक्रम शुरू करा था, कॉरपोरेशन आपके द्वार, आप लोगों सबने कवर भी करा उसको, और बहुत ही बहुत पूरे शहर में जहाँ जहाँ गए लोगों ने बहुत सराहना करी है कि पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो लोगों के बीच में आ रही है। हमने उन लोगों को बताया कि हमने ये काम करे हैं और आपकी क्या इच्छा है, आपके वार्ड में क्या चाहिए, तो इसकी बहुत सराहना हुई है। और वही रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे जो 5 साल में हमने काम करे हैं, और उसी आधार पर हम वोट मांगे। कौन से नाम बताएगा जी, कौन से वार्ड से आए हैं? वार्ड नंबर 1 तो रणदीप कौर दे अज असी कागज़ फाइल करना है। असी लगभग साढ़े 10 कैंडीडेटा ने अज अपना कागज़ फाइल करते हैं, जेडे रेंदे कैंडीडेट है साढ़े, वो कल नू असी कागज़ सारे ने फाइल करना। सर, मैनीफेस्टो की होएगा अपना? मैनीफेस्टो असी सुझाव मंगे हुए जी हरेक वार्ड तो, असी उन्हों कंपाइल कर रहे हैं। अपना जेडे पानी का मेन मुद्दा है जी, महंगाई मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, तो टैक्स का मुद्दा है। नगर निगम च असी सफाई के अंदर 96वें नंबर पर चले गए, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है, पहाड़ बनता जा रहा है, पानी के रेटा तो आरजी तौर पर रोक लाई हुई है, सीवर सैस का मुद्दा है, यो जे मुद्दे ने जिन्होंने लेके अं चोन लड़ा। सर, भाजपा और कांग्रेस ना मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी भी मिलकर लड़ रहे हो, साडा मुकाबला ही कांग्रेस नाल है जी। बहुजन अपना जी बहुजन समाज पार्टी के श्रोमणी अकाली दल का जो सा मुकाबला है वो कांग्रेस के नाल है, बीजेपी और आम आदमी का रेस विच भी नहीं। की मानते तुसी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शिरोमणि अकाली दल जी है किसी गिनती च नहीं है? कोई गल नहीं, थोड़े दिन पता लग जाएगा कि गिनती है कड़ी च नहीं है, सारे भुलेखे दूर हो जाएंगे। कितनी सीट जीतने का दावा करोगे आप? असी 20+ सीटा जीतना जी, अपना मेयर बनावे। वाहेगुरु जी का खालसा।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।